आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भारत सरकार के पेटेंट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हो रहा है जो आने वाले समय में समाज को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करेगा। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के विषय में संबोधित करते हुए कहा कि आज के तकनीकी और वैश्विक युग में पेटेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे विचारों और रिसर्च को सुरक्षित रखने के हमारे अपने क्या अधिकार हैं और पेटेंट के द्वारा इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। तीसरी महा वैश्विक रूप से तीसरी महाशक्ति के रूप में उभारना है और कैसे पेटेंट को टैक्टफुली और इफेक्टिव वे में पेटेंट कराया जा सके, स्पेशली ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कि इंडियन सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम में इंडियन सिस्टम में कराया जा सके। रेखा वी मैडम, रेखा वी मैडम जो कि डिप्टी पेटेंट कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी आयुष के साथ जो चैलेंजेस हैं उनको बताया। हम एक तो DPIIT जो मुख्य विभाग है उनका धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने कि पहली बार पूरे भारत में आयुष के सेक्टर में चेयर, प्रोफेसर ऑफ IPR चेयर का दिया, हमें सैंक्शन किया है ये पोस्ट, जिस पोस्ट को लेके हम आने वाली पीढ़ियों को पेटेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे हम भारतीय को स्वस्थ रख सके, ये शायद विकसित भारत की एक पहचान भी होने वाली है और उस पहचान को बनाने में हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे तब शायद आयुर्वेद संबंधित ज्ञान का समाज के लिए श्रेष्ठ प्रयोग हो पाएगा। इन्हीं विषयों पर आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एक राउंड टेबल के माध्यम से मंथन शुरू हुआ है।